जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हुशनेक सिंह पिंका जरगट भी। अज फिर एक ऐसा स्पोर्ट्स क्लब है जेडे कि आई पी स्टेट उन्होंने सारे लोगों ने बुलाया, उन्होंने बुला के उन्होंने अपने अपनी गेम करवाई और उन्होंने उत्साह भी कर दिया। 1972 से बना ये स्पोर्ट्स क्लब है। तजिंदर जी थोड़ा जथेदार टीवी ते बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जानना चाहते थे भी कि गेम के फर्स्ट सैकंड और थर्ड आए। सर मैं कैरम, पहले कैरम पार्टीसपेट किया जिद मैं सैकंड आया वहाँ, फिर मैं चैस पार्टीसपेट किया उस भी मैं सैकंड आया वहाँ, और एक मैं डॉट भी पार्टीसपेट किया जिद मेरा कोई नंबर नहीं आया। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। लगता है कि आप हार जीत में ज़्यादा अहमियत नहीं देते? कोई अहमियत नहीं है जी, हार जीत तो चलती रहती है। जो हौसले इन्होंने हौसला अफजाई की हैंडीकैप सस्ते, मैं तहे दिल ना शुक्रगुजार हाँ हैंडीकैप वेलफेयर फैडरेशन का जिन्होंने सारा इकट्ठा किया, तो यह उपराला किया है तुहाडे लोगों नाल, अच्छे अच्छे लोगों नाल मिलने का मौका मिले, मैं इसी शुक्रगुजार हाँ। वीर जी असं जानना चाहते तजिंदर जी किन्ने चिर तो तुसी इस हालत में, सरकार ने तुहानू की इह जी कोई हैल्प की जां तुहाडे नाल खड़ी हुंदी है? नहीं नहीं, सरकार वालों कोई हैल्प नहीं है। मैं एक्चुअली मैनू 37 ईयरस हो गए जो हैंडीकैप, मैं पोलियो हो गया सीगा मैनू, लेकिन गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, वो सच्चे पातशाह का हाथ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। सरकार की हैल्प नहीं भी मिली थे लेकिन हाले तक बाबा जी ने राज ही कराया है, राज करेगा खालसा आखी रहे ना कोई। तजिंदर जी तुहाडे हौसले बड़े बुलंद है, मैनू बेहद खुशी है। सच्चे पातशाह का आशीर्वाद है जी, गुरु तेग बहादुर महाराज जी का गुरु कृपा है। तजिंदर जी फिर कदी कदे मुलाकात होगी तो फिर किथे मिलोगे? जिथे बोलोगे दास हाजिर हो जाएगा वड्डे भरा नूं मिलण वास्ते, जिथे हुकम करोगे उत्थे भरा हाजिर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साडे जसदा टीवी नाल गलबात करन। बहुत बहुत आप जी का शुक्रिया जी, आप जी इत्थे अपना टाइम कढ के आए, साडे लोगों की हौसला अफजाई की। बहुत बहुत थैंक यू जथेदार टीवी का, मैं करना चाहवांगा जिन्होंने इत्थे आ के सानू मान सम्मान दिता ते साडी हौसला अफजाई की। थैंक यू। आरती जी अब कब से इस हालत में? सर मेरे को 6 साल हो गए हैं। अच्छा जी। तो जब कौन कौन सी स्पोर्ट्स में आपने भाग लिया? मैंने ये क्या नाम इसका जो बॉक्सिंग पोल होती है ना उसमें भी लिया है, उसमें हम जीते भी हैं। ये क्या नाम है इसका उड़ीसा तो बहुत जगह जा चुके हैं, जीत भी जाते हैं हार भी होती है, जीत भी होती है, पर मैं तो फिर भी खेलती हूँ। मैं जानना चाहता था क्या सरकार आपको कोई हेल्प करती? सरकार हाँ हेल्प करती है। करती है जी, बिल्कुल करती है। अच्छा। मेरे को न्यू मोशन दिए काम करने के लिए दिए उन्होंने। अच्छा। जिसमें मैं काम कर रही हूँ, जोमेटो में काम करती हूँ, मैं ड्राइवरी करती हूँ। अच्छा। जोमेटो में सरकार ने मुझे गाड़ी दी है ये। गाड़ी सरकार ने जी। तो आप अपनी जिंदगी से खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बहुत सबसे बहुत जरूरी जी, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर आई हूँ। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं आती, ये है। बहुत बहुत शुक्रिया जसदा टीवी ना गलबात करने का। थैंक यू सर। थोड़ा लाउडर बोलना, अपना नाम क्या है सर? मेरा नाम आमिर सिद्दीकी है, मैं ईगल स्पेशलेबल राइडर्स का फाउंडर एंड डायरेक्टर हूं, और हमारी टीम का सिर्फ एक ही काम है डिसेबल बंदों को अवेयर करना, उनको खेल से लेकर के, उनको फैशन शो को लेकर के, उनको मैराथन के थ्रू, या हम अगर बात करें उन्हें तो उन्हें हम घर से निकालना चाहते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है कि विकलांग व्यक्ति घर से बाहर निकले, जब वो घर से बाहर निकलेंगे तभी वो दुनिया देख पाएंगे और अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे। मैं जानना चाहता था कि आप कब से इस लाइन में? लगभग 2000 देखा जाए तो एक से मैं दिल्ली में हूँ, और तभी से दिव्यांगों को लेकर के हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। हमें लगा कि जब हम खुद एजुकेटेड हैं, मैं पीएचडी होल्डर्स हूँ कंप्यूटर साइंस में और गवर्नमेंट सर्विस करता हूँ, लेकिन हमें ये लगा कि यार जब मेरे पास नॉलेज है लोगों के पास, यहाँ मैंने देखा कि कई चीज़ों को उनकी जानकारी नहीं है उन्हें, तो हमें लगने लगा कि सबसे पहले उनका डिसेबल सर्टिफिकेट हम बनवाएं, क्योंकि हमारे में एक चीज़ है कि अगर आपको पेंशन चाहिए, आपको गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम चाहिए, जो गवर्नमेंट ने योजनाएँ दिव्यांगों के लिए लागू किया है, उसके लिए सबसे इनिशियल चीज़ ये है कि आपके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको जद्दोजहद करना पड़ता है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वो आपके सर्टिफिकेट बनाने में आनाकानी करते हैं। अगर आपको उन्होंने बोल दिया कि 2 बार आपको आना, 3 बार आना है, 1 महीने में आपका जो है प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है, तो दिव्यांग खुद घर से नहीं निकल पा रहे हैं, वो कैसे बाहर आए? उसके लिए हम लोगों ने मतलब स्टार्ट किया कि दिव्यांगों का सर्टिफिकेट 1 दिन में बनना चाहिए, जल्दी से जल्दी उन्हें बने, ताकि जो गवर्नमेंट की बाकी सुविधाएं उन्हें मिलना प्राप्त हो जाए। तो ये मान लीजिए आज ये सफर करते करते 20 साल
गया। और कहावत एक है कि आप शुरुआत तो करिए, साथ सब देंगे। और आज देख रहे होंगे कि हमारे साथ पूरे दिल्ली में लगभग 5,000 हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ईगल स्पेशली राइडर्स के मेंबर्स, और इन कामों को लेकर वो आज आगे कर रहे हैं। सरकार कितना आपका हेल्प करती है? मैं ये कहूँगा सरकार अपने तरफ से लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करती है। ये कहा जाए कि इंडिविजुअल आपकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा जब तक आप अपना काम अपने से नहीं करेंगे। उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी में 5% का कोटा दिया है, आप पढ़ाई के लिए आगे बढ़िए। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट में आपको 4% का कोटा दिया है, आप रोजगार करिए। उन्होंने लोन के लिए फैसिलिटी दिया हुआ। गवर्नमेंट का काम है कि हम सबको लेकर के चलना है, ये नहीं कि एक इंडिविजुअल को आप आकर के वो हेल्प करने, मैं सोचूं कि मैं गवर्नमेंट मेरी हेल्प नहीं कर रही, तो ये गलत है कहना। उन्होंने सभी के लिए पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी का आप कितने अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप उनके पॉलिसी को यूज नहीं कर पाएंगे या फिर उन्हें आप एक मतलब ब्लेम लगाते हैं उन पे कि नहीं गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, तो ये आपकी गलती है। आपके घर तक कोई नहीं जाएगा, आपको उनके पास पहुँचना होगा, अपने अधिकारों को मांगना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आपका एक प्रोग्राम है, और क्या क्या आपकी मन में रखा हुआ कि उन लोगों को उत्साह करना है? हम 1 तारीख को दिव्यांग मैराथन का आयोजन फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं। वहां लगभग 300 दिव्यांग पूरे इंडिया भर से आएंगे। उनके आने का सिर्फ एक ही कारण है कि वो घर से बाहर निकले, अपने आप को ये ना समझे कि हम समाज का हिस्सा नहीं है, वो भी एक समाज का हिस्सा। जैसे समाज एक मैराथन कराता है, वैसे ही हमने दिव्यांगों के लिए मैराथन रखा हुआ है ताकि उनको भी लगे कि हम एक समाज के अभिन्न अंग हैं और अपने आप को उत्साहित समझे। आप आएंगे, मैं चाहूँगा कि जो अगर खबर मेरी जिनके पास भी जा रहे हैं अगर वो दिव्यांग है तो 1 तारीख को आकर के हमसे जरूर जुड़े और उनका मनोबल बढ़ाएं। आप दिव्यांग है या नहीं है ये मायने नहीं रखता, आप किसी का मनोबल बढ़ाने आ रहे ये हमारे लिए मायने रखता है। एक सवाल और करना चाहता हूँ, क्या एनजीओ के लिए बाहर से लोग भी हेल्प करते हैं? जी हाँ, कोई भी एनजीओ तभी सक्सेस होती है जब उसमें कोई व्यक्ति अपना सहयोग देता है। सहयोग का तात्पर्य हमेशा ये नहीं होता कि आप फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट होता है मानसिक, सपोर्ट होता है इकोनॉमिकल, सपोर्ट होता है फाइनेंशियल। अगर आप किसी की मदद किसी भी तरीके से करते हैं तभी एनजीओ आगे बढ़ती है। और यही कहूँगा कि मैं जो बूंद बूंद करके घड़ा भरता है तभी कुछ होता है, सागर एक नदियों से मिलकर के बनता, अपने आप को पानी कहीं पर नहीं आया। इसीलिए सभी को किसी न किसी टाइप की मदद कहीं ना कहीं से मिलती है और वो तभी आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जतदा टीवी ने गलबात करने, धन्यवाद जी आपका। मैं और यही कहूँगा कि आप इस टाइप से ही सभी दिव्यांगों का कवर करते रहें और हम लोगों को मोटिवेट करते रहें, उत्साहित करते रहें। धन्यवाद, सत श्री अकाल। मीरा जी, कितने लोग आपके हाथ से ट्रेनिंग करके बाहर गए, जहाँ कोई नेशनल पे खेला? सर, नेशनल से इंटरनेशनल के लिए हम लोगों ने सिलेक्शन किया है इसका। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। यहाँ से काफ़ी बच्चे हमारे बाहर भी गए हैं और बहुत बच्चे खेलते हैं। हाँ। सर, जो बच्चे जीना जो छोड़ देते हैं ना सर, वो भी यहाँ आकर के एक उनके अंदर एक नई राह, एक नई उनके अंदर उत्साह होता है कि हम खेलें, हम क्यों भीख मांगे, हम क्यों ऐसे करें। सर, हर बच्चा यहाँ पर आता है, खुश होता है, मेडल लेते हैं। सर, गांधी सर के सर ने इतना उनको प्रोत्साहन किया हुआ है और हमारे जितने भी सर हैं सब जने मिलजुल के, हम लोग सब जने मिलजुल के हम कई सालों से लगे हुए हैं और हम इन्हों को प्रेरित करते हैं कि आप आओ ज़्यादा से ज़्यादा खेलो, बहुत खेलते हैं अच्छी तरह, मेडल वगैरह जीते। ज़्यादा से ज़्यादा कोई अवार्ड मिला इस संस्था को? हाँ मिला है सर, नेशनल लेवल पे। हाँ मिला हुआ नेशनल से। पक्का मिला? हाँ जी, ये क्या होता ना, ये हो गया स्टूडेंट्स को मिला। हाँ स्टूडेंट्स वगैरह, हाँ स्टूडेंट्स को मिला। बड़ा मन खुश होता है, बड़ा मन खुश होता है हमारा कि हमारे बच्चे बाहर भी गए हैं नेशनल से इंटरनेशनल के लिए। सर बहुत मन खुश होता है, ये बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ आती हूँ, कई सालों से आ रही हूँ, लेकिन सर मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं हर काम अपने, मैं भी स्पोर्ट्स के अंदर ही हूँ सर, तो मैं अपना हर काम छोड़ के जैसे गांधी सर का फ़ोन आता है मैं आती हूँ यहाँ पे, हर मीटिंग वगैरह हम लोग अटेंड करते हैं यहाँ पर। अपने मिशन में लगे रहना। हम अपने मिशन में लगे हुए सर। ठीक है, थैंक यू।